जनपद संभल की चंदोसी में चंदोसी अलीगढ़ हाईवे पर डाली जा रही सड़क की गुणवत्ता पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल। कुछ दिनों पूर्व जनपद संभल की चंदोसी में जिस चंदोसी अलीगढ़ हाईवे पर निर्माण कार्य का प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने शुभारंभ किया था, आज सड़क की गुणवत्ता पर भाजपा के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने सवालिया निशान लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार ने इस सड़क के निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट जारी किया, लेकिन इस सड़क के निर्माण में घोर लापरवाही की जा रही है जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस विषय में भाजपा के सतीश अरोड़ा ने बताया कि ये सड़क मिट्टी के ऊपर डाली जा रही है जो कि 15 दिन भी नहीं चलेगी, इसलिए मंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। राशिद है ये तो यहाँ रोड बन रही है, ये गुणवत्ता के अनुसार नहीं है, सरकार के मानक के अनुसार नहीं है। आप यहाँ पर जो सरकार को पलीदा लगा रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं बताइए। सर ऐसा है, यहाँ पे लेबर की वजह से थोड़ा इसलिए लेबर ने सफाई को छोड़ दिया है, वो चीज को मैं मानता हूँ कि लेबर से सफाई की कमी हुई है, लेकिन लेकिन आगे आप देखिए हमारा किनारा जहाँ तक आ रहा है रोड का, उस किनारे पे आपको कहीं मिट्टी नहीं मिलेगी। मैं जो सड़क पड़ी हुई है मिट्टी पड़ी हुई होगी? नहीं सर मिट्टी पे नहीं पड़ी हुई है, जहाँ पर लेबर छोड़ा है क्या इसकी साफ सफाई की जिम्मेवारी क्षेत्र की जनता की है या आपकी है? ये सर बीजेपी के जो पदाधिकारी आप पे आरोप लगा रहे हैं मिट्टी पे डाल रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? सर मेरा इसमें ये कहना है कि ये जो हमारे पदाधिकारी है ये अपनी जगह ठीक है, गलती इंसान से ही होती है, ये हमने जानबूझ के किसी मतलब उसके वश नहीं करी गई है, लेकिन ये थोड़ा लेबर की लापरवाही रही है जिसके लिए सर मैं आगे उधर सर ऐसा था मैं बताऊं आपको, क्योंकि हमारा नहीं आते तो आपकी लेबर तो डाल देती सर। ऐसा सर ऐसा ऐसा नहीं है सर, इसका सर 2 साल की लाइबिलिटी है इसकी, इसकी मेरी 2 साल की लाइबिलिटी है, इसको 2 साल को मुझे अपनी तरफ से रिपेयर कराना है, कोई भी काम गलत हुआ है। मैं नाम राशिद है। अभी तक कितनी रोड बन चुकी है सर? ये अभी तक जो है हमारी करीब 2 किलोमीटर की रोड, 2 किलो ये जो सड़क पड़ रही है इसमें बताया जा रहा है कि मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा है, गलत काम हो रहा है, क्या कहेंगे आप? मानक के अनुसार यहाँ मानक ही नहीं है, कुछ भी कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप इधर से सड़क उखेड़ लो, आप उधर से सड़क उखेड़ लो, एक बारिश में पूरी सड़क बर्बाद है, कच्ची मिट्टी के ऊपर सारी सड़क डाल के 2 दिन में इन्होंने 2 किलोमीटर की सड़क भी डाल दी। बहुत ठेकेदारी का काम हो रहा है और इतना बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने, पूरी सड़कों की सड़कें बेकार कर दी है। जब इन जो भाजपा की नीतियों पर पलीता लगा रहे हैं, सरकार द्वारा इतनी बड़ी योजना के तहत यहाँ काम चल रहा है, मंत्री जी द्वारा लाई गई सड़क है उन्होंने 2 दिन के अंदर ही तोड़फोड़ करके बराबर कर दी, और कह रहे हैं कि इधर से कमी है और उधर से कमी है, कोई काम नहीं होगा जब तक पूरे मानक के अनुसार ठेकेदार बैठ के लिखित में नहीं देगा, जब तक यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। क्या मामला है? देखिए ऐसा है, सरकार ने बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे शहर के लिए 6.5 करोड़ रुपए भेजे हैं, 6.5 करोड़ रुपए की देखभाल करनी हर नागरिक की परम जिम्मेदारी है, उसी उपलक्ष्य में हमें ये सूचना मिली है कि ये मानक के अनुसार बिल्कुल नहीं पड़ रही है, विपरीत पड़ रही है, मिट्टी के ऊपर कोल तार बिछाया जा रहा है जो कि 15 दिन भी नहीं रुक सकता। हमारी माननीय मंत्री जी ने ये पैसा पास कराया 6.5 करोड़ रुपए, हम उनका आभार प्रकट करते हैं, परंतु ये भी कहना चाहते हैं कि इस सड़क को मौके पर आकर के वो देखें और देखें किस तरीके से ये ठेकेदार पलीता लगा रहा है, और इस सड़क को बचाओ, हमारे 6.5 करोड़ रुपए को, 6.5 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं सरकार ने, केशव मौर्या ने, हमारे योगी जी ने, इसको बचाओ, इसका तो बुरा हाल हो जाएगा, 15 दिन में ये सड़क नहीं रहेगी, गड्ढे ही गड्ढे होंगे इस सड़क पर।